हमारी तो बीटेक की शुरुआत ही ऑनलाइन हुई, हम सबको एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स ही थे। और अब जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं, उन्होंने तो हमें शुरू में ब्लॉक ही कर रखा था। ये बात कल ही निकली तो सोचा बोल दूं। पहले अपनी असाइनमेंट्स टाइम से पहले कंप्लीट करना और किसी के साथ भी शेयर ना करना से लेकर डेडलाइन के बाद असाइनमेंट खत्म करने तक की और किसी के भी असाइनमेंट मिल जाए कॉपी करने तक की जर्नी बहुत अच्छी रही। पहले पहले तो एमएसटीज का स्ट्रेस, फिर तो ऐसी आदत हो गई कि क्या हो गया यार, सुबह पढ़ लेंगे एमएसटी जो है। और अब जब 4 बजेंगे तो याद आया करेगा कि अब तो शिवानी मैम की क्लास है। क्लास बंक की बट कभी मास बंक नहीं हुआ। हमारे दोस्तों की अटेंडेंस जो बीच में आ जाती है, इंग्लिश भी हम ठीक ठाक बोल लेते हैं दिव्या मैम और गूगल मैम की कृपा से, तो दिक्कत कहाँ आ रही है मैं सच में नहीं बता। और रही अब हमारे दोस्तों की बात, और इसी हम तो फर्स्ट ईयर से ही मेमोरीज बनाने में लगे थे कि लास्ट ईयर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और ट्रिप का प्लान हम ट्रिप का भी करेंगे ओके अनुषि। और मैंने यहाँ आके इतना टेस्टी खाना खाया है, एक तो मेरे पीजी का ऑब्वियसली, और मुझे तो पता ही नहीं था कहीं से मेरी वाइफ भी मैच होती है। क्यों शिवम? यस थैंक यू यार कोडिंग सिखाने के लिए, नहीं तो लोकल मीटिंग ही बनता। ऑफ कोर्स बीटेक में इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। थैंक यू अंकिता और बाकी सभी को भी। और गॉसिप्स भी तो करनी होती है ना, नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और इस जर्नी में डांस भी बहुत जरूरी था, नहीं तो स्ट्रेस में ही रह जाते। थैंक यू शिवानी। और अब अगर सबके बारे में बोलने लगी तो शाम हो जाए, बट मुझे मेरी क्लास में सबसे ज्यादा बढ़िया दोस्त हुए। सभी ने किसी ना किसी पॉइंट पे